देख सकते हैं दोस्तों, कैनेडा के अंदर जो माउंटेन है उसके पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पंप क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पंप है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा पंप है ये? हाँ जी। ओके, दुनिया का सबसे ऊंचा पंप के पास हम खड़े हैं। 12,270 हाइट पर है ये, गाजा में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम फिलहाल जा रहे हैं किबर ब्रिज और गाजा को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी फ़िलहाल टेम्परेचर -3 था और हम इस होटल में स्टे किए हैं। और यहाँ कुत्ते देखो, भालू की तरह एकदम शक्ल देख रहे हो उसकी, सोच रहा होगा कि कहाँ से आ गए बुलबक। अरे देखो, मज़े से सो रहा है ये कह रहा होगा कि रात को साली इतनी ठंड होती है, दिन में मज़े ले लो धूप की। तो दोस्तों, गाजा से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। पहले हम कीव मोनेस्ट्री की तरफ रवाना होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उस उधर का जो वीडियो फुटेज था वो रिकॉर्ड फ़ोन की क्वालिटी से किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्टेबल नहीं है। और उसका जो शॉट है वो आपको ड्रोन के थ्रू आगे देखने को मिलेगा। बट यार, सही में गाजा का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है अगर आप विंटर में जाओगे तो पहले से ही प्रिपेयर होके जाना। और आगे आप देखो, आपको बढ़िया से सीन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, फ्रोजन लेक में हम, फ्रोजन रिवर है ये, सॉरी, ये फ्रोजन रिवर गाजा के 6 किलोमीटर दूरी पर है और आप देख सकते हो इस पे हम चल रहे हैं। ओ भाई, ये यहाँ पर स्लिप कर गया बाइक, वह बच गया भाई, इससे आगे जाने का खतरा है। मैं तो जा रहा हूँ ऊपर को भाई, ऊपर को ही आ जाओ, पूरा जम चुका हुआ है ये। गाजा के वे में हम जब निकल रहे थे तो आप देख सकते हो गाजा के वे में ये नदी पूरी जमी हुई है। और अभी तक का एक्सपीरियंस यार खूबसूरत, सही में मज़ा आ गया। हमें आगे एक ब्रिज पे जाना था, और कुंजुम ब्रिज, पता नहीं क्या नाम है वो, एक्चुअली अभी बंद है। वहाँ पर 144 लगा हुआ है, पुलिस वालों ने हमको रोक दिया। तो फिलहाल हम कल हम निकलेंगे यहाँ से, जो यहाँ का पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर हम घूमने जाएंगे। बकायदा एक हम वैली को एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो वैली का नाम अभी बताऊँगा नहीं, वो आपको आगे वीडियो में देखना पड़ेगा। तो ये है भाई लोग जो कि फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये पूरा फ्रोजन लेक है, काफ़ी खूबसूरत है। बाइक सब खड़ी हुई है, इसके ऊपर से हम चल रहे हैं। शरण आ रहे हैं भाई, वाह अच्छा है। क्या बनाया खाने को? हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह हम निकल रहे हैं गाजा से 3 जगह घूमने के लिए। एक तो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और एक मोनेस्ट्री, और एक पिन वैली का एरिया, जो कि 3 एरिया है। आज हम 3 जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तारीख की बात करूँ तो आज 6 मार्च है, और इस टाइम हम गाजा के टाउन में स्टे किए हुए हैं।
फ़िलहाल मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आप काजा स्टे करते हो थोड़ा आपको कॉस्टली फ़िलहाल पड़ेगा, मेरे को अप्रोक्स 1000 पर पर्सन पड़ा है स्टे विद फूड। और आप देख सकते हो पीछे की वादियाँ, ये पीछे आप देख सकते हो जो स्नो पॉइंट है, और यहाँ के जो डॉगीज हैं ना बहुत बड़े बड़े भालू की तरह दिखते हैं। तो बस आगे का सफ़र स्टार्ट होता है, हमारी बाइक से वो लगी हुई हैं, ये बाइक से लगी हुई हैं, ये बाइक लगी हुई है मेरी। तो बहुत जल्द निकल रहे हैं हम, अभी का टाइम 9:30 हो चुका है, 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। धूप अच्छी है बट टेम्परेचर -12 था एक घंटे पहले देखा था, अभी थोड़ा कम हो गया होगा बट ठंड काफ़ी बहुत ज़्यादा है। अभी हाल देख सकते हो मेरा, ठंड के कारण लिप्स फट चुके हुए हैं, बस ऐसे ही है। तो जी बैकपैकर्स की लाइफ, भैया इतना टाइम क्यों लगाती हो? उसको तुम भी ला। हाँ वो हम आके ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर हम हिकिम की तरफ जा रहे थे ना, हम हिकिम विलेज की तरफ जा रहे थे। और ये देख सकते हो वो सामने जो छोटी छोटी वादियाँ दिख रही हैं वो काजा की टाउन है, काजा की वादियाँ हैं। ये सामने एक्सप्लोर देखिए, बहुत ही टफ राइडिंग थी यहाँ पर। वो सामने देख सकते हो कितनी छोटी सी गाड़ी लग रही है, जैसे हम 5 रुपये की गाड़ी पहले बचपन में खरीदते थे ना, छोटी सी गाड़ी वैसी गाड़ी लग रही है। और ये यहाँ का सीन है, वाओ। और ये हम है, ये हमारा नेचर है, और यहाँ पर राइडिंग हो रही है, सो इट्स कूल अमेजिंग। ओहो इट्स मी। इसके बाद दोस्तों जो हमारा एक्सपीरियंस है यार, सही में दिल दहला देने वाला मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जस्ट 1 किलोमीटर जब हम पोस्ट ऑफिस के विलेज में पहुंचे और मेरी बाइक का जो क्लच प्लेट था वो एक्सपायर हो गया और मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ी। बट शरण भाई और तरुण भाई आपको दिल से सलूट है, जो कि इन्होंने इनकरेज किया हमको आगे सफ़र जारी रखने का, और इनकी बाइक के ऊपर मैं लोड होकर अपने पोस्ट ऑफिस की जर्नी पूरी की। और अब देखिए यहाँ का सीन, तो जी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाक घर, द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, सी मैन हिकिम, वाओ, सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ओहो, इट्स अमेजिंग। क्या हुआ है, क्या हुआ? வீட்டு அட்ரஸ் எங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் அவன் வீட்டு அட்ரஸ் ஒன்று தான், ஆனால் பக்கத்து வீடு, ஆனால் அவன் வீட்டு நம்பர் தெரியாது, ஒரு நம்பர் கம்மி இல்லை ஜாஸ்தி। दोस्तों हिकिम पोस्ट ऑफिस जाने के बाद मेरी बाइक ख़राब हो गई है, आप देख सकते हो भी एक ट्रैवलर पर बाइक को लोड करके काजा लेके जा रहे हैं रिपेयर के लिए, देखते हैं क्या सीन होती है। अभी बहुत ज़्यादा स्पीति मेरे लिए फ़िलहाल टफ रहा अभी तक का, आगे देखते हैं क्या और हमको एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। सो मेरे पीछे देख सकते हो का रीज़न है सारा, हाँ कि पोस्ट ऑफिस से हम जा रहे हैं काजा की तरफ। ओके बी सेफ, बी राइड। तो दोस्तों मैंने अपनी बाइक का ये क्लच प्लेट खराब कर लिया है और रेस अभी टूट गई इसकी, कभी भी आओ तो एक्स्ट्रा रेस की तार लेके आना।
अब इसमें से थोड़ा बहुत सामान निकलेगा और उसमें जाएगा। दोनों भाई भाई हैं। यह है काजा में, जहाँ पर सिर्फ एक ही मैकेनिक की दुकान मिलेगी आपको, सामने नंबर नोट कर लेना। अभी कह रहे हैं कि परसों स्नो पड़ने वाली है, बट हम आज की डेट में निकले जाएंगे यहाँ से। बढ़िया है कि स्पीति के वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर यह मेरी बाइक पहुँच गई, जो कि खुद पे एक रिकॉर्ड है मेरे लिए। और बस अब वहाँ से मैं टेम्पो के थ्रू इसको लेके आया, क्योंकि क्लच प्लेट चला गया था तो रेस पकड़ रहा था पर गियर नहीं पकड़ रहा था। एनीवे हम सेफली राइड कंप्लीट कर चुके हैं स्पीति की, और हमारा सामान वो पड़ा हुआ है। अब हम कल निकलेंगे आई थिंक पिन वैली की तरफ।